सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, वो चैट बॉक्स में ये लिखो ना, अब आएगा मेरे ख्याल से। मैं रीज्वाइन किया मैंने ना, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ गई हो नेटवर्क की। हाँ, अब सबको यस लिख रहे हैं सब लोग। ठीक है, ओके, सबको मेरी आवाज और स्क्रीन दिख रहा है? ठीक है, सब लोग जो भी प्रेजेंट हैं प्लीज यस जरूर लिखें उसमें चैट बॉक्स में। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 आए हैं बस। अरविंद, ठीक है, लक्ष्य, सुपर्ण, तुम नहीं हो यहाँ पे? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। दूसरे बच्चों ने यस लिख, प्रेजेंट ठीक है, ओके। अच्छा देखो, टाइप 9 में जो हम कल क्वेश्चन कर रहे थे, जहां पे मैं आपको लीव करके गया था, कौन सा क्वेश्चन था? ये वाला क्वेश्चन बताना, कौन सा नंबर था इसका जो मैं लिख रहा हूँ अभी। इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स फोर प्लस एक्स सर। स्क्वायर प्लस 3। 96, यस नाइनटी सर। सिक्स हाँ ठीक है, चलो इसको करते हैं। एक ये प्रॉब्लम दिया था और आई गेस 97 प्रॉब्लम होगा। एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ये दो प्रॉब्लम होंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेते हैं एक बार ऑन है। यस ठीक है, तो अब 96 प्रॉब्लम देखते हैं। तो 96 प्रॉब्लम में मैंने आई मान लिया, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3। जैसे मैंने आपको बताया कि इस इंटीग्रेंड में सारी क्या है हमारे पास, इवन पावर्स ऑफ एक्स हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। जब आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये टर्म बन जाएगी 1 + 1 बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 डीएक्स। ठीक है, ये टर्म बन जाएगी हमारे पास। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप यहां पर एक्स माइनस 1 बाय एक्स को टी मानोगे तो न्यूमरेटर तो आपका डीएक्स तो बन, मतलब न्यूमरेटर में जो टर्म है वो तो बन जाएगी। कैसे, ये बन जाएगी 1 + 1 बाय एक्स स्क्वायर डीएक्स इज इक्वल टू डीटी, ये वाली टर्म तो बन जाएगी। बट डिनोमिनेटर नहीं बनेगा। डिनोमिनेटर कैसे नहीं बनेगा, इसका अगर आप होल स्क्वायर करोगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर तो डिनोमिनेटर में है ही नहीं, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है पीयूष, आप अपना इंटरनेट कनेक्शन देखो, आपको आवाज, सबको आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही? पीयूष कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही, माइक से आ रही है और सर, बोलो। आ रही है आ सर, रही है ना? आ रही है ना? यस सर, आ रही है आ सर, रही है सर, यस सर, ठीक है, यस सर। ओके। तो 1 + अब जैसे ये क्या हो गया, जिसको भी आवाज नहीं आ रही है बेटा, वो अपना इंटरनेट कनेक्शन देखिए। 1 + 1 बाय एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब इसमें एक्स माइनस 1 बाय एक्स को टी मान रहा हूं, तो डी ऊपर तो न्यूमरेटर की तो कहानी बन जा रही है, बट डिनोमिनेटर की कहानी नहीं बन पा रही। इसीलिए इस प्रॉब्लम को अब देखो कैसे करना है। जो आपका सब्स्टिट्यूशन है वो हमेशा डिनोमिनेटर डिसाइड करेगा बेटा, न्यूमरेटर से डिसाइड नहीं होगा। वो जो आपका सब्स्टिट्यूशन है वो कौन डिसाइड करेगा, डिनोमिनेटर डिसाइड करेगा। तो डिनोमिनेटर वाली टर्म आपकी कैसे बन सकती है, डिनोमिनेटर वाली टर्म मेरी बनेगी या तो एक्स प्लस रूट थ्री बाय एक्स से या एक्स माइनस रूट थ्री बाय एक्स से। ये बात समझ आई होगी आप लोगों को कि कैसे सोचा, ये समझ आ रहा है? एक्स प्लस रूट थ्री बाय एक्स से या एक्स माइनस रूट थ्री बाय एक्स से, क्योंकि इसका अगर आप होल स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बाय एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, सागर भी कह रहा है आवाज नहीं आ रही है। नो सर, आवाज आ गई। आ गई, ओके ठीक है। एक्स प्लस, वो कई बार डेटा की प्रॉब्लम है तो जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स, अपने आप आ जाएगा। एक्स प्लस रूट थ्री बाय एक्स, एक्स माइनस रूट थ्री बाय एक्स, ये सबको समझ आ रहा है? एक्स प्लस रूट थ्री बाय एक्स, एक्स माइनस रूट थ्री बाय एक्स क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि इसका स्केयरिंग बोथ साइड्स करने पे, मान लो इसको टी माना तो टी स्केयर विल गिव अस एक्स स्केयर प्लस थ्री बाय एक्स स्केयर प्लस 2√3। ठीक है, और इसको अगर से जेड मान लेते हैं तो से डब्ल्यू मान लेते हैं क्योंकि हम डब्ल्यू यूज कर रहे थे इससे पहले भी, तो डब्ल्यू होल स्केयर विल गिव अस एक्स स्केयर प्लस थ्री बाय एक्स स्केयर माइनस 2√3। तो जो डिनोमिनेटर है वो एक्स प्लस रूट थ्री बाय एक्स से बन जाएगा और
एक्स माइनस रूट थ्री बाई एक्स से भी बन सकता है, ठीक है जी। आप ये तो समझ आ रहा है कि चलो डिनोमिनेटर की तो कहानी समझ बन रही है थोड़ी थोड़ी, अब न्यूमरेटर की नहीं बन रही है। तो एक काम करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं फिर पता चलेगा कुछ। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, वन माइनस रूट थ्री बाय एक्स स्क्वायर डीएक्स। थोड़ा सा मुश्किल है, ध्यान से समझना इसको। इधर डी डब्ल्यू कितना आएगा, वन प्लस रूट थ्री बाय एक्स स्क्वायर डीएक्स। चलो जी ये भी बात बनने लग गई कि भाई वन माइनस रूट थ्री बाय एक्स स्क्वायर बन रहा है, वन प्लस रूट थ्री बाय एक्स स्क्वायर बन रहा है, बट सर ये तो न्यूमरेटर में तो आ ही नहीं रहा। ये दोनों तो चलो बन रहे हैं, बट न्यूमरेटर में तो वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे जो हमारा इंटीग्रल था वो था वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन डीएक्स। ये मेरा इंटीग्रल है। तो आप बताओ कि मैं जो इसका न्यूमरेटर है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, के वन टाइम्स ऑफ वन प्लस रूट थ्री बाय एक्स स्क्वायर प्लस के टू टाइम्स ऑफ वन माइनस रूट थ्री बाय एक्स स्क्वायर। ये बताओ ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। नेहा बेटा एक बार रीज्वाइन करो, आप मीटिंग एग्जिट करके रीज्वाइन करो। जिसको ये क्लियर नहीं हुआ वो बताओ। चैट बॉक्स में लिखो अगर क्लियर हो गया यस, कि मैं वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूं, के वन इंटू वन प्लस रूट थ्री बाय एक्स स्क्वायर प्लस के टू इंटू वन माइनस रूट थ्री बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ आ रहा है मतलब बच्चों को। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि भाई जैसे ही वन प्लस वन बाय, अब ये बेसिकली ना आपका वही वाला टाइप हो रहा है आई थ्री वाला, आई थ्री आई फोर वाला, कि भाई आपको ये जो आए है उसको ब्रेक करके आई थ्री आई फोर में लिखना है। ठीक है, अब वो किससे डिसाइड हो रहा है, वो डिनोमिनेटर से डिसाइड हो रहा है। अब के वन, अब कंपेयर करते हैं, तो के वन प्लस के टू विल बी इक्वल टू वन, रूट थ्री टाइम्स ऑफ के वन माइनस के टू विल बी इक्वल टू वन। तो हमारे पास आ रहा है के वन प्लस के टू इज इक्वल टू वन, और के वन माइनस के टू कंपेयर कर लिया बेटा इज इक्वल टू वन बाय रूट थ्री। अब इन दोनों को एड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टू के वन इज इक्वल टू वन प्लस वन बाय रूट थ्री, टू के टू इज इक्वल टू वन माइनस वन बाय रूट थ्री। ठीक है, तो K1 किसके बराबर आ जाएगा, 1 by 2 times of 1 plus 1 by root 3. K2 किसके बराबर आ जाएगा, 1 by 2 times of 1 minus 1 by root 3. तो ये हमारा K1 K2 हो गया। आगे कि नहीं आया, इतना तो आगे होगा। अब आपको K1 K2 जब पता चल गया है तो आपका इंटीग्रल क्या बन जाएगा, आप देखो K1 times of K1 की वैल्यू लास्ट में पुट कर देंगे, K1 times of इंटीग्रल of 1 plus root 3 by x square divided by एक्स स्क्र प्लस थ्री बाय एक्स स्क्र प्लस वन डी एक्स। ठीक है, प्लस के टू टाइम्स ऑफ, प्लस के टू टाइम्स ऑफ वन माइनस रूट थ्री बाय एक्स स्क्र डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र प्लस थ्री बाय एक्स स्क्र प्लस वन डी एक्स। ठीक है, बस हो गया अब खत्म। इसमें क्या करना पड़ेगा, अब इसमें टी मानना है किसको, ये वाला सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम, ये वाला टी वाला W वाला करेंगे इसमें ना, क्योंकि प्लस है इसके न्यूमरेटर में। इसमें क्या करेंगे, x माइनस रूट थ्री बाय एक्स को W मान के सॉल्व करेंगे, इसमें क्या करेंगे x प्लस रूट थ्री बाय एक्स को t मान के सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसके आगे का सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, वो आपको समझ आई है, वो dt बाय क्वाड्रेटिक जैसी टर्म बन जाएगी या dw बाय क्वाड्रेटिक जैसी टर्म बन जाएगी। जिसको अभी तक ये नहीं समझ आया वो बताओ मुझे। आ गया समझ, ठीक है। चलो अब फिर आते हैं हम, ठीक है आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट पर आते हैं। एक और प्रॉब्लम दे रहा हूं, इसको ट्राई करो, अच्छा प्रॉब्लम है ये भी, जेई का ही है ये भी, सब्जेक्टिव पेपर का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 97। x माइनस वन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। करो एक बार ट्राई करो,
मतलब पूरा सॉल्व नहीं करना है आपको, बस फॉर्म पे लाके छोड़ देना है, बट वो फॉर्म तक पहुंचना जरूरी है। जिसका आंसर आ गया या सॉल्व हो गया है वो चैट बॉक्स में लिख के बताएं। किसी का भी नहीं हुआ अभी तक। किसी का हुआ ये क्वेश्चन सॉल्व? राहुल तुमने सॉल्व कर लिया? चैट बॉक्स में लिखिए अगर आपने सॉल्व कर लिया है। अच्छा एक काम करो, अगर अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है तो आप क्या करो, इसमें से ये वाली जो एक्सप्रेशन है। हाँ सागर बताओ कैसे किया, पहला स्टेप क्या किया है सागर? सर पहले, यस सर, पहला बताओ। स्टेप किया सर हमने।
क्या x प्लस वन से ऊपर नीचे वो कर दिया मल्टीप्लाई, ओके उसके बाद ऊपर x स्क्वायर माइनस वन बन गया, ऊपर तो x स्क्वायर माइनस वन बन जाएगा, नीचे x प्लस वन का होल स्क्वायर इनटू दिस टर्म, इनटू दिस टर्म आ जाएगी सर। फिर उसके बाद वो उसको उसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया नीचे वाले का, उसके बाद ऊपर नीचे x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। फिर उसके बाद वो तो ये वाली टर्म तो फिर सिंपलीफाई नहीं हुई होगी आपकी, ये सर ये जैसे हम ऊपर नीचे x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक x को तो उस x स्क्वायर वाली टर्म में डिवाइड कर देंगे, एक x को इस वाली में। ठीक है हाँ सही कह रहे हो। उसके बाद एक x फिर सर नीचे नीचे वाली टर्म बचेगी x प्लस टू प्लस वन बाई एक्स इंटू अंडर रूट एक्स प्लस वन प्लस वन बाई एक्स। हाँ हम वो फिर x प्लस वन बाई एक्स को t मान लिया होगा ना। यस सर। ठीक है बहुत बढ़िया सही। और हाँ भाई जोगिंदर तू बता। सर हमने रूट एक्स को टी माना था पहले। हाँ ये भी बहुत अच्छा तरीका है कि रूट एक्स को टी मान लो आप ना, उससे वो थोड़ा डायरेक्ट सिंपलीफाई हो जाता है। मैं भी वैसे ही बताने वाला हूँ ठीक है, जैसे जोगिंदर ने बताया। बाकी जो सागर ने किया वो भी एकदम सही है कि आप एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें फिर उसको एक्स के से डिवाइड करना है। अच्छा देखो अब ये तो अभी आप ना पर्टिकुलर टाइप का टाइप में प्रॉब्लम कर रहे हो तो आपको ये थोड़ा सा आइडिया रह रहा है कि हाँ यार इसमें तो एक्स के से डिवाइड करना है। अब मान लो ये प्रॉब्लम मुश्किल होगा जब जेई में आएगा, तो जेई में जब प्रॉब्लम आएगा ना तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि यार ये किस टाइप से सॉल्व हो रहा है। तो उसमें यही है कि जितनी आपकी सॉलिड प्रैक्टिस होगी उतना जल्दी ही आप गेस कर पाओगे। तो जैसे रूट एक्स को अगर मैं टी मानता हूँ उससे क्या फायदा होगा ना, देखो क्यूबिक टर्म के तो इंटीग्रल हमने वैसे ही बहुत कम सॉल्व किए हैं, तो ये आपकी टर्म ना क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो जाएगी। तो आप इसको ऐसे लिखो एक्स माइनस वन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इंटू, यहां से एक रूट एक्स कॉमन निकाल लो और यहाँ पे टर्म बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है ये टर्म बन जाएगी। अब आप क्या करो रूट एक्स को जैसे हमने टी मान लिया तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स मेरा कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, dx मेरा कितना हो जाएगा 2t dt। अब देखो आपका इंटीग्रल क्या बन जाएगा, तो आपका इंटीग्रल बन जाएगा x की जगह आ जाएगा t square minus 1, dx की जगह आ जाएगा 2t dt। ठीक है इस x की जगह आ जाएगा t square plus 1, इस root x की जगह t आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा t 4 plus t square plus 1। ठीक है ये वाले t से ये वाला t कैंसिल हो गया, तो जब आप t square से आप डिवाइड करोगे तो 1 minus 1 by t square dt आ जाएगा, एक 2 बचा हुआ है ऑलरेडी 2 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे एक t से इसको डिवाइड कर दो और एक t इस अंडर रूट के अंदर ले जाओ तो t स्क्वायर प्लस 1 बाय t स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है t प्लस 1 बाय t को से x मान लेना है। अगर आप t प्लस 1 बाय t को x x नहीं मानते हैं, x तो हमारे पास पहले था, कुछ और मान लेते हैं इसे w मान लेते हैं। t प्लस 1 बाय t को w मान लिया, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस 1 माइनस 1 बाय t स्क्वायर dt इज इक्वल टू dw। तो आपका इंटीग्रल अब बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ dw upon w into under root of t square plus 1 by t square plus 2 is equal to w square, तो ये बन जाएगा w square minus 2 plus 1 तो minus 1, तो ये 2 times of secant inverse w बन जाएगा या mod w भी लिख सकते हो आप, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या आंसर आ जाएगा 2 secant inverse of t plus 1 by t आ जाएगा। अब t हमने क्या माना हुआ था root x, तो 2 secant inverse root x plus 1 by root x plus c1, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है तो मेरे को लग रहा है सबको समझ आ गया होगा। secant inverse आएगा प्लस tan inverse नहीं आएगा। हाँ इसको अगर आप tan inverse में कन्वर्ट कर लेते हो तो अगर मैच कर रहा है तो आपका आंसर सही है। हो सकता है अगर आप जैसे सागर ने किया उसका आंसर किसी और इनवर्स सिग्नोमेट्रिक रेशियो में आ सकता है आंसर, बट आप जानते हैं कि इनवर्स सिग्नोमेट्रिक रेशियो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं तो आपको मैच करा के चेक करना पड़ेगा। इस केस में मेरा आंसर सेकंड इनवर्स में आया। ठीक है अब नेक्स्ट टाइप पे आते हैं टाइप 10। ठीक है टाइप 10 जो है इसमें ये रट्टे वाली टाइप है, एकदम आपको याद ही करना है। इनफैक्ट काफी सारी टाइप्स तो याद करने वाली ही है इसमें, जैसे मैंने आपको पहले से ही बताया, तो ये सबसे ज्यादा याद करने वाली टाइप है। ठीक है तो इसमें क्या है, इस टाइप का नाम है इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शंस, इंटीग्रेशन ऑफ Irrational algebraic expressions। integration of irrational algebraic expressions।
ठीक है, और जो इसकी जनरली जो इसमें पावर्स हैं वो सारी हाफ पावर है, मतलब अंडर रूट है इसमें, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस विद पावर इक्वल टू हाफ, ठीक है। तो अब ये पर्टिकुलर टाइप के प्रॉब्लम है, एक पर्टिकुलर टाइप का प्रॉब्लम आएगा, उसका पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन है, उसी तरीके से बेस्ट तरीके से सॉल्व होगा। अगर आप उसमें कुछ और करने की कोशिश करेंगे तो आपका प्रॉब्लम लेंथी होगा। ये सब चीजें ऑलरेडी मैथमेटिशियंस ने कर रखी है, क्योंकि जब भी हम आगे जाते हैं ना, आगे वाले चैप्टर जो एप्लीकेशन वाले चैप्टर्स हैं, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, एरिया हो गया, उनमें ना ये अटकेंगे आपके प्रॉब्लम। मान लो कुछ ऐसा ग्राफ आ गया जिसमें जो अभी एक्सप्रेशंस लिखूंगा वैसी एक्सप्रेशंस आ रही है, उसको आपको इंटीग्रेट करके एरिया वगैरह कुछ निकालना है, तो आपको उसका इंटीग्रेशन जब यहाँ पर आता होगा तभी आप जाके डेफिनेट में कर पाएंगे। तो ये सबके जो सब्स्टिट्यूशन है वो सोच समझ के डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। तो इसमें अब जो पहला एक्सप्रेशन है वो है हमारे पास डी एक्स अपॉन लीनियर टू अंडर रूट लीनियर वन, ठीक है। तो ये जो पहला एक्सप्रेशन है वो कुछ इस टाइप का होगा, मतलब आपके पास प्रॉब्लम कुछ इस टाइप का आएगा इसमें, जैसे डी एक्स अपॉन यहां पे मान लो कुछ आ गया ए एक्स प्लस बी अंडर रूट ऑफ सी एक्स प्लस डी, इस टाइप का ये प्रॉब्लम होगा, समझ गए ना। लीनियर अंडर रूट लीनियर कहने का क्या मतलब है, तो लीनियर वन है और लीनियर टू है, तो अगर लीनियर वन हो जाता फिर तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता लीनियर की पावर माइनस थ्री बाई टू, वो तो हमें डायरेक्ट सॉल्व करना आता है। तो यहाँ पे अलग लीनियर टर्म है, यहाँ पे अलग लीनियर टर्म है, तो इसकी सब्स्टिट्यूशन है कि जो अंडर रूट वाली लीनियर टर्म है उसको आप टी स्क्वायर मान लो, तो लीनियर वन को टी स्क्वायर मान के अगर आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आना ही आना है, ठीक है, समझ आ गया। जो डायरेक्ट टाइप है उसको मैं बता रहा हूँ कि भाई ये सब्स्टिट्यूशन करनी है क्वेश्चन सॉल्व। अब क्या होगा, हम टाइप लिख देंगे सारे एक एक करके, इसका हर एक का क्वेश्चन कर लेंगे, फिर इसके ऊपर जो बेस्ड प्रॉब्लम्स होंगे वो कर लेंगे। तो पहला बड़े आसान है, लीनियर अंडर रूट लीनियर है, तो ध्यान भी रखना बहुत आसान है कि भाई लीनियर जो अंडर रूट वाली लीनियर होगी उसको टी मान लेना है या उसको टी स्क्वायर मान लेना है ताकि अंडर रूट हट जाए। टी मानने का मतलब है अगर मैं अंडर रूट लीनियर को टी मानूंगा तो लीनियर वन मेरा टी स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, नेक्स्ट टर्म है मेरे पास डी एक्स अपॉन क्वाड्रेटिक अंडर रूट लीनियर। अब इसमें लीनियर वन क्यों नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि एक टर्म क्वाड्रेटिक है और एक लीनियर है, तो लीनियर वन लीनियर टू लिखने की ऐसा कोई भी जरूरत नहीं है। तो अंडरस्टूड है, आप क्या करेंगे, लीनियर को टी स्क्वायर मान लेंगे, तो इसके सब्स्टिट्यूशन क्या है, लीनियर को टी स्क्वायर मान लो, खत्म हो जाएगा आपका प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम है आपका, अगर आपके पास कुछ इस फॉर्मेट का प्रॉब्लम आता है, एक्स डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट सी एक्स स्क्वायर प्लस डी, इस टाइप का अगर आपके पास प्रॉब्लम आता है तो अंडर रूट वाले क्वाड्रेटिक को सी एक्स के प्लस डी को टी स्क्वायर मान लेना, ठीक है। तो एक्स डी एक्स अपॉन अगर ए एक्स के प्लस बी अंडर रूट सी एक्स के प्लस डी आता है, या यहाँ देखो यहां तक तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो आपको समझ आ रहा है कि भाई अगर अंडर रूट वाली टर्म्स है तो जो अंडर रूट के अंदर वाली टर्म है उसको टी स्क्वायर मान लेना है, अंडर रूट लीनियर आएगा तो लीनियर को टी स्क्वायर मान लो, ठीक है। दूसरे वाले में भी अंडर क्वाड्रेटिक अंडर रूट लीनियर आ रहा है तो लीनियर को टी स्क्वायर मान लो, थर्ड वाले में एक्स के प्लस बी अंडर रूट सी एक्स के प्लस डी है तो सी एक्स के प्लस डी को टी स्क्वायर मान लो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास टर्म है, अब ये वाले आपको फोर्थ और फिफ्थ जो मैं लिख रहा हूँ ये याद रखने पड़ेंगे, ये क्या है ए एक्स के प्लस बी अंडर रूट ऑफ सी एक्स के प्लस डी, ठीक है। अब ये सॉल्व नहीं होगा, अगर आप सी एक्स के प्लस डी को टी स्क्वायर मानो, अंडर रूट ऑफ सी एक्स के प्लस डी को टी मानते हो या सी एक्स के प्लस डी को टी स्क्वायर मानते हो, ये सॉल्व नहीं होगा आपसे प्रॉब्लम ना, ये बनेगा नहीं, कोई भी पर्टिकुलर टाइप नहीं बनेगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसकी सब्स्टिट्यूशन है जो आपको याद रखनी है, एक्स इजिकल टू वन बाई टी। होता क्या है, जैसे आप x को अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको और समझ आएगा, जैसे आप x को 1 बाय टी मानोगे तो ये इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है, इसके ऊपर वाली फॉर्म में। जैसे आप अब इसमें थर्ड में और फोर्थ में क्या डिफरेंस है, थर्ड में न्यूमरेटर में x आ रहा है, तो जब आप सी एक्स के प्लस डी को टी स्क्वायर मानोगे तो उसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है, क्या डेरिवेटिव बनेगा, टू इस वाली टर्म की बात कर रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, इसका डेरिवेटिव बनेगा टू सी एक्स डी एक्स इजिकल टू टू टी डी टी, तो उसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है ना, तो वो टू एक्स डी एक्स की जगह आप लिख दोगे टी डी टी बाई सी, टी टी कैंसिल हो जाएगा तो रिड्यूस हो जाएगा आपका प्रॉब्लम। बट इसमें ऐसा होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे तो डी एक्स बैठा हुआ, एक्स तो बैठा ही नहीं हुआ, तो इसलिए हम क्या करते हैं फोर्थ वाले में एक्स को वन बाई टी मानते हैं तो वो ऊपर वाली टाइप में रिड्यूस हो जाता है। फिफ्थ हमारी टाइप है डी एक्स अपॉन लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक। अब इससे पहले आपने जो पढ़ी थी वो थी क्वाड्रेटिक अंडर रूट लीनियर, इससे पहले जो आपने पढ़ी थी, तो ये तो आसान थी, लीनियर को टी स्क्वायर मानना था। अब यहाँ पे क्या है, लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक, तो इसकी सब्स्टिट्यूशन भी आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि यही वाली हम बोलते हैं,
फोर्थ और फिफ्थ ही भूलते हैं, बाकी में तो सबको याद ही है कि भाई अंडर रूट वाली टर्म को टी स्क्वायर मानना है, तो इसमें लीनियर को वन बाय टी मानते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, उससे क्या होगा आपका प्रॉब्लम इजिली रिड्यूस हो जाएगा। तो लीनियर को इसमें वन बाय टी मानना है। ठीक है, तो अब इसके प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। तो अब हमने क्या कर लिया है, सेंचुरी मार ली, अभी नहीं मारी है, ठीक है, 97 पे ही अभी, तो चलो 98 पे आते हैं। 98 प्रॉब्लम, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन अंडर रूट एक्स प्लस टू। एक बार ट्राई करो जल्दी से, एक्स प्लस टू को टी स्क्वायर मानो, देखो क्या रिड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सब लोग जल्दी से चैट बॉक्स में जिसका भी आंसर आ जा रहा है डन लिखो, पूरा सॉल्व नहीं करना है, बस उसको रिड्यूस कर लो। आपको समझ आना चाहिए कि भाई अभी ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। और बताओ भाई, बाकी सबका हो गया कि नहीं हुआ? ठीक है, दिव्यांश का भी हो गया, वैभव का हो गया, आयुष का हो गया। दीपक का भी हो गया, लक्ष्य का हो गया। ओके ठीक है, देखो कुछ नहीं, वही था, x प्लस टू को टी स्क्वायर मान लेते हैं, तो क्या बनेगा हमारे पास, डी एक्स किसके बराबर बन जाएगा, टू टी डी टी। इंटीग्रल क्या बन जाएगा, डी एक्स की जगह लिख दिया टू टी डी टी, एक्स प्लस वन की जगह बेटा आप क्या लिख दोगे, टी स्क्वायर माइनस वन लिख दोगे ना, क्योंकि एक्स प्लस टू इज टी स्क्वायर, तो एक्स प्लस वन हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पे टी आ जाएगा, खत्म कहानी। तो डी टी बाई डी स्क्वायर माइनस वन का रिजल्ट तो याद होगा, सिस्टर फॉर्मूले थे आपके, ठीक है हो जाएगा आपसे। ठीक है, 99 पे आते हैं। एक्स डी एक्स अपॉन, जल्दी जल्दी रफ कॉपी रखो साथ में और अटेम्प्ट करते रहो, देखो बड़ी इजी प्रॉब्लम है अभी वाला, देखो 99 एक्स डी एक्स अपॉन एक्स के माइनस थ्री एक्स प्लस टू अंडर रूट एक्स माइनस वन। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, 99 पे आ गया, ये जिसका हो जा रहा है वो लिखो 99 डन, तो पता चल जाएगा ये प्रॉब्लम आपका हो गया है। x माइनस वन को डी स्क्वायर मानना है, बननी रही बात ऐसा लग रहा है मुझे। 99 लिखो, 99 डन। हाँ भाई, क्या करना है, x माइनस वन को टी स्क्वायर मानना है, चलो कर देते हैं अब इसको। तो हमने x माइनस वन को टी स्क्वायर मान लिया, ठीक है, तो डी एक्स मेरा किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है हो गया, काफी बच्चों का हो गया है, डी एक्स हो जाएगा टू टी डी टी। ठीक है, x माइनस वन को हमने टी स्क्वायर माना, तो डी एक्स हो गया टू टी डी टी। तो देखो क्या बनेगा, ये इंटीग्रल हमारे पास बन जाएगा, अब ऊपर इसमें ना x भी आ रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर प्लस वन, डी एक्स की जगह लिख देंगे टू टी डी टी। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या टर्म आएगी, ये वाली टर्म हमारी बन रही है एक्स डी एक्स अपॉन, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं ना, लिख सकते हैं एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू
अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन, तो एक्स माइनस वन आ जाएगा मेरे पास टी स्केयर, एक्स माइनस टू आ जाएगा टी स्केयर माइनस वन, और यहां पर क्या आ जाएगा टी आ जाएगा, ये वाले टी से ए टी कैंसिल हो गया, तो हमारा इंटीग्रल बन जाएगा टू टी स्केयर प्लस वन डी टी अपॉन टी स्केयर इंटू टी स्केयर माइनस वन। ये बन गई बात। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद ये लिखना पड़ेगा आपको। अब आपको ये याद हो गया, ये वो वाला टाइप है पार्शियल फ्रैक्शन वाला, इंटीग्रेंड कंटेनिंग इवन पावर्स ऑफ एक्स या इवन पावर्स ऑफ टी व्हेन डिनोमिनेटर इज फैक्टराइजेबल। तो इसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ, ए बाय टी स्केयर प्लस बी बाय टी स्केयर माइनस वन, ये मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन में बताया हुआ है अच्छे से, ठीक है। अब आप कंपेयर करके ए और बी निकाल सकते हैं, टू को बाहर भी लेके जा सकते हो जैसे आपको सही लगे, कंपेयर करके ए और बी आ जाएगा, ए बाय टी स्केयर आपको सोल्व करना आता है, बी बाय टी स्केयर माइनस वन आपको सोल्व करना आता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका जो देखो डायरेक्ट टाइप का प्रॉब्लम है, आपको समझ आ रहा है कि डायरेक्ट टाइप का प्रॉब्लम है, उससे ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पे आते हैं, थर्ड है मेरे पास एक्स डी एक्स अपॉन हंड्रेड हंड्रेड, इसी का थर्ड है और ये एक्चुअली में हंड्रेड प्रॉब्लम है, एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नाइन। ये मैं कर देता हूँ जल्दी से, क्या इसमें क्या करना था पता है, ये वो वाली टाइप है, एक्स डी एक्स अपॉन ए एक्स के प्लस बी अंडर रूट सी एक्स के प्लस डी, तो एक्स के प्लस नाइन को हम क्या करेंगे टी स्केयर मानेंगे, तो क्या बन जाएगा टू एक्स डी एक्स इजिकल टू टू टी डी टी, ठीक है। तो एक्स डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा आपके पास टी डी टी आ जाएगा, एक्स के प्लस फोर की जगह क्या आ जाएगा टी स्केयर माइनस फाइव आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स के प्लस नाइन की जगह टी आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा डी टी बाय टी स्केयर माइनस फाइव हो जाएगा सॉल्व, 1 by 2 under root of ln mod of 2, a कितना हो जाएगा root 5, ठीक है ना, root 5 का उसके बनेगा, तो आ जाएगा 1 by 2 root 5 ln of mod of t minus root 5 upon t plus root 5 plus c1, t की वैल्यू डाल दो under root x के प्लस 9, 101 पे आते हैं, 101 में है हमारे पास, ये आप खुद से करो ताकि आपको ये समझ आए कि मैं जो आपको बता रहा था, x के प्लस 1 under root of x के प्लस 2, इसमें क्या होगा x को 1 by t मानना है इसमें, x को 1 by t मानोगे ना तो ये ऊपर वाले प्रॉब्लम में रिड्यूस होगा, ऊपर वाली टाइप में जिससे ऊपर वाली टाइप थी, ठीक है। करो एक बार x को 1 by t मानो, फिर जिसका हो जाएगा वो लिख देना 101 डन। अपने आपको म्यूट करिए बेटा, ठीक है हो गया, अदर्श का हो गया है। राहुल का हो गया, ठीक है। सागर का हो गया, ठीक है। साहिल का हो गया, जोगिंदर का हो गया, ठीक है। x को 1 by t मानना है, दिव्यांश का हो गया, ठीक है। आयुष का हो गया, ठीक है। वैभव का हो गया, देखो चलो मैं कर देता हूँ जल्दी से, x को 1 by t मानेंगे हम, ठीक है। तो जैसे आपने x को 1 by t माना तो dx इसके बराबर हो जाएगा माइनस वन बाय टी स्केयर डी टी, तो हमारा इंटीग्रल आ जाएगा माइनस वन बाय टी स्केयर डी टी, ठीक है। एक तो ये टर्म आ गई डिवाइड में, यहाँ पे कितना आ जाएगा वन प्लस टी स्केयर बाय टी स्केयर, एलसीएम ले लिया मैंने, ठीक है। अंडर रूट में कितना आ जाएगा वन प्लस टू टी स्केयर बाय टी स्केयर, ये वाले टी स्केयर से ये वाला टी स्केयर कैंसिल हो गया, अब ये अंडर रूट ऑफ टी स्केयर क्या बन जाएगा टी, क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यूज नहीं दी हुई है तो मॉड वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, तो माइनस टी डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्केयर प्लस वन इंटू अंडर रूट ऑफ टू टी स्केयर प्लस वन आ गया। अब हो गया आपकी प्रॉब्लम, अब ये प्रॉब्लम उसी में ऊपर वाले में रिड्यूस हो गई। अब क्या करोगे इसके बाद सब्स्टिट्यूशन क्या करोगे, इसके बाद सब्स्टिट्यूशन करोगे टू टी स्केयर प्लस वन इज इक्वल टू डब्ल्यू स्केयर, तो क्या बन जाएगा फोर टी डी टी इज इक्वल टू टू डब्ल्यू डी डब्ल्यू,
ठीक है, तो हमारे पास इंटीग्रल क्या आ जाएगा, टी डी टी चाहिए हमें, तो माइनस ऑफ हाफ ऑफ यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू डी डब्ल्यू अपॉन टी स्केयर प्लस वन है ना हमारे पास, तो टी स्केयर की वैल्यू है हमारे पास डब्ल्यू स्केयर माइनस वन बाय टू, तो टी स्केयर प्लस वन हो जाएगा डब्ल्यू स्केयर प्लस वन बाय टू, और यहाँ पे एक डब्ल्यू आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, तो बस खत्म हो गया, टू से टू कैंसिल हो गया, तो माइनस ऑफ टैन इनवर्स ऑफ डब्ल्यू आ जाएगा प्लस सी वन, डब्ल्यू की वैल्यू डाल दो फिर अंडर रूट ऑफ टू टी स्केयर प्लस वन, फिर टी की वैल्यू डाल दो, हो गया ये प्रॉब्लम, तो हमने 101 प्रॉब्लम भी कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, अब एक और इसी टाइप का प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम 102। तो ये बन गया हमारे पास डी एक्स अपॉन एक्स प्लस टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस सेवन, ये कौन सी टाइप होगी, लीनियर इंटू अंडर रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक, तो क्या था इसमें, लीनियर को 1 बाय टी मानते थे, देखो एक बार, कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ, तो लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक में लीनियर को 1 बाय टी मानते थे, हाँ डायरेक्ट टाइप भी, डायरेक्ट टाइप का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो क्या करो, x प्लस टू को 1 बाय टी मानो, करो एक बार जल्दी जल्दी, ये 12th एंड 2 वाले बच्चे कर नहीं रहे हैं, रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या आप लोगों को, बेटा जो सब्स्टिट्यूशन है वो लगाओ और उसको सिंप्लीफाई करो, x प्लस टू को 1 बाय टी मान के सॉल्व करो और बताओ, पूरा सॉल्व नहीं करना है आपको, रिड्यूस कर लेना है उसको टाइप में ना, और देखो कितना सॉल्व हो रहा है वो, जिसका हो गया वो लिखो 102 डन। करण सिंह का हो गया, ओके, बाकी 12th एंड 2 वाले बच्चे बताओ जिन जिन का हो गया है, किसी का भी नहीं हुआ, ठीक है,
ठीक है चलो देखो, काफी बच्चों का हो गया है, लक्ष्य का हो गया, विद्यासागर का भी हो गया है, ठीक है, आदर्श का हो गया है, ठीक है। देखो क्या करना था, x प्लस टू को 1/t मानना था, तो आपका dx इसके बराबर आ जाएगा माइनस 1/t स्क्वायर dt आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो इंटीग्रल है ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रल बन जाएगा हमारे पास dx की जगह क्या लिखोगे, माइनस 1/t स्क्वायर dt डिवाइड में x प्लस टू की जगह क्या लिख दोगे, 1/t, ठीक है। तो x अब आपका किसके बराबर आ जाएगा, 1/t माइनस टू के बराबर आ जाएगा, तो अंडर रूट में ये जो एक्स स्क्वायर है इसकी जगह लिख दो 1 - 1/t माइनस टू का होल स्क्वायर, क्योंकि x का होल स्क्वायर है ना, तो क्या लिखेंगे हम, 1/t माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स ऑफ 1/t माइनस टू प्लस 7, ठीक है। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो ये माइनस बाहर ले जाते हैं, 1/t स्क्वायर dt ये वाली टर्म आ जाएगी 1/t। अब अंडर रूट के अंदर क्या टर्म आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगा 1/t स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4/t प्लस 6/t माइनस 12 प्लस 7 इज माइनस 5। अब एलसीएम लेंगे तो वो टी स्क्वायर बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, अगर आप एलसीएम लोगे, अब ये सब्स्टिट्यूशन करने से आपको क्या फायदा हुआ, अभी तो कुछ ऐसे डायरेक्टली तो सॉल्व नहीं हो रहा था, अब जैसे आपने सॉल्व किया ना, तो अब ये टर्म बन गई, अब ये ना डी टी बाय क्वाड्रेटिक बन जा रहा है, अंडर रूट क्वाड्रेटिक। देखो कैसे, ये तो टर्म बन गई, इस टी से ये वाले एक टी को कैंसिल कर देते हैं, तो 1/t dt बच गया यहाँ पे। यहाँ पे आप एलसीएम लो, क्या बनेगा, 4 और -5 ऐड होके -1 बना देंगे, ठीक है। तो ये टर्म अंडर रूट के अंदर जो टर्म आ रही है, मैं यहाँ पे रेड से लिख देता हूँ, ये टर्म आ रही है अंडर रूट ऑफ 1/t स्क्वायर प्लस 2/t प्लस 4 -5 आ गया -1। तो अब एलसीएम लोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 + 2t माइनस टी स्केयर डिवाइडेड बाय टी स्केयर, ये टर्म आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अंडर रूट लोगे जब आप, तो टी स्केयर का अंडर रूट टी से ये वाला टी कैंसिल हो जाएगा, अगर बचेगा माइनस ऑफ डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये टर्म बन जाएगी 1 + 2t माइनस टी स्केयर। अभी आपकी पुरानी टाइप होगी, आपको सॉल्व करना आता है डी टी बाय अंडर रूट क्वाड्रेटिक, ठीक है। चलो ये प्रॉब्लम भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा प्रॉब्लम हो गया 102, 103 पे आते हैं, प्रॉब्लम 103। प्रॉब्लम 103 है एक्स डी एक्स अपॉन, अब ये क्या है ना, अब ये जो प्रॉब्लम है ये डायरेक्ट उस टाइप की नहीं है, बट उसी टाइप से रिलेटेड है, तो आपके वही सब्स्टिट्यूशन वर्क कर जाएंगे, वो सब्स्टिट्यूशन हो सकता है एक स्टेप पे वर्क करें, हो सकता है नेक्स्ट स्टेप पे वर्क करें। इसमें क्या करोगे, डायरेक्टली एक्स प्लस वन को टी स्क्वायर मान लोगे, ये प्रॉब्लम लिख लो, मैं इसको डिटेल में नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, आप जब भी आपको टाइम होगा रिवाइज करोगे तो आप सॉल्व कर लेना, एक्स प्लस वन इक्वल टू टी स्क्वायर मान के सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 104 पे आते हैं, 2 - 3x dx अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स प्लस वन, ये भी सेम उसी टाइप का प्रॉब्लम है, क्या करना चाहिए, दिमाग में आ ही रहा होगा, एक्स प्लस वन को टी स्क्वायर मानना है, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 105, ये हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 3 अपॉन एक्स प्लस वन इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अच्छा अब ये वाला ट्राई करो, ये थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 3 अपॉन एक्स प्लस वन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक हेलो, हाँ जी बोलिए, नमस्ते बोलिए, कौन सी क्लास में आपको एडमिशन करवाना है? हाँ सर, मैं आपको ना 11:30 के आसपास कॉल बैक करता हूँ, मैंने अभी आपको मैसेज किया था ना, मैं क्लास में हूँ, मैं अभी खुद ही कॉल बैक कर दूंगा आपको, ठीक है सर? ओके, हाँ जी हाँ जी, कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको कॉल बैक कर दूंगा 11:30 के आसपास। हाँ भाई हो गया, डन हो गया, ये तो पुराना वाला हुआ है भाई, अभी नया वाला नहीं हुआ, 105 डन लिखना अगर जिसका हो जाता है। इसको देखो ना, इस चलो मैं बताता हूँ, देखो एक तो तरीका वही है कि हम x प्लस वन को 1/t मानेंगे, बट अभी ये उस फॉर्म में नहीं है,
जैसे हमारे पास अगर ये होता है ना dx by linear under root quadratic, तो हम linear को 1 by t मानते हैं। अब आप थोड़ा अगर इसको ध्यान से देखोगे ना, ये रिड्यूस हो जाएगा x plus 1 में, x plus 1 की पावर में। तो पहले वही करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x plus 1 का होल स्केयर प्लस 2 अपॉन x plus 1 अंडर रूट x स्केयर प्लस 1, x plus 1 का होल स्केयर प्लस 2 अपॉन x plus 1 अंडर रूट x स्केयर प्लस 1, ठीक है, ऐसे लिख दिया। हाँ, कुछ बच्चों का हो रहा है। चलो अब ये वाली टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, ब्रेक करके मैं इसको अलग अलग करो, ब्रेक करेंगे तो क्या बन जाएगा, x प्लस 1 का होल स्केयर अपॉन x प्लस 1 अंडर रूट ऑफ x के प्लस 1 dx प्लस 2 dx अपॉन x प्लस 1 अंडर रूट ऑफ x के प्लस 1, ठीक है। अब ये x प्लस 1 से एक x प्लस 1 कट जाएगा। अब देखो, अब दोनों इंटीग्रल आपके सॉल्व होने वाले हैं, x प्लस 1 dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x के प्लस 1, ठीक है, प्लस 2 dx अपॉन x प्लस 1 अंडर रूट x के प्लस 1। अभी आपकी टाइप हो गई। इस टाइप को सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए, x प्लस 1 को 1 बाई टी मानना है, लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक वाली टर्म है, ये सॉल्व हो जाएगा। अभी अभी हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया। ये वाली जो टाइप है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, ये वैसा हो गया ना px प्लस q अपॉन अंडर रूट ऑफ ax के प्लस bx प्लस c, टाइप 3 का प्रॉब्लम है ये। क्या करेंगे, x प्लस 1 को लिखेंगे k1 टाइम्स ऑफ, डायरेक्टली लिख देते ना, एक्स के प्लस वन का डेरिवेटिव बनाना होता था अगर आपको याद हो तो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ ऑफ टू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स के प्लस वन dx, ये सॉल्व हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स के प्लस वन, ये सिस्टर फॉर्मूला है आपका dx अपॉन अंडर रूट एक्स के प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस साथ में ये वाला इंटीग्रल तो है ही जो आपका सॉल्व हो रहा है। समझ आ गया, ठीक है, तो ये 105 हो गया। अब 106 लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंटीग्रल है ये वाला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 अंडर रूट ऑफ x माइनस 1, ठीक है, एक मिनट और लो, इसको ट्राई करो। बनी किसी की, किसकी बात, 106 की, ठीक है। आयुष, आयुष क्या किया बताओ, माइक ओपन करके। सर प्लस 2x और माइनस 2x कर दिया ऊपर, ठीक है, तो प्लस 2x वाला तो सॉल्व हो जाएगा, वो जो माइनस 2x वाला है वो फिर कैसे सॉल्व होगा, फिर सर जो अभी टाइप बताई थी उसी में हिसाब से x माइनस 1 को टी स्क्वायर करके हो जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया, देखो इसमें क्या है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे एक्स के प्लस टू एक्स प्लस टू है, तो एक्स के प्लस टू आ रहा है इसमें, तो आप इस इंटीग्रल को ऐसे ही करें कि एक्स के प्लस टू एक्स प्लस टू कर दें
और माइनस टू एक्स कर दें। आयुष ने ये बताया कि सर आप क्या करो, न्यूमरेटर में टू एक्स ऐड कर दो, टू एक्स सब्ट्रैक्ट कर दो, उससे देखो क्या होगा। अब इस टाइप के जो इंटीग्रल होते हैं इनको हम बोलते हैं रिड्यूसिबल टू द नोन टाइप, ठीक है। अब हमें एक टाइप पता है, हमने कुछ छोटा मोटा इसमें मैनिपुलेशन किया जिसकी वजह से ये हमारी जो नोन टाइप है उसमें रिड्यूस हो जाएगा। तो अब जैसे हमने 2x और ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, अब इस पार्ट को आप अलग कर लो और इस पार्ट को अलग कर लो, तो इंटीग्रल क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन, माइनस एक आ जाएगा टू एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू अंडर रूट एक्स माइनस वन। तो होगा क्या, अब ये तो कट गया, ये वाला तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हमारा डी एक्स बाय अंडर रूट एक्स माइनस वन, ठीक है। माइनस ये वाला प्रॉब्लम जो है ये बनेगा टू एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू अंडर रूट एक्स माइनस वन, ठीक है। ये सॉल्व हो जाएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, x माइनस वन की पावर माइनस हाफ है तो x माइनस वन की पावर हाफ लिख देता हूँ, चलो मैं x माइनस वन की पावर हाफ बाय हाफ आएगा इसका आंसर, ठीक है। माइनस इसको p मान लेते हैं, ये इंटीग्रल भी ना तो इजी नहीं है, ये भी थोड़ा लेंदी सा प्रॉब्लम है, ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको भी मैं बताता हूँ क्योंकि अच्छा प्रॉब्लम है ये। तो p को हमने लिखा टू बाहर ले लेते हैं, एक्स डी एक्स अपॉन डिनोमीटर में एक्स के प्लस टू एक्स प्लस टू अंडर रूट एक्स माइनस वन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स माइनस वन को टी स्क्वायर मानेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है क्वाड्रेटिक अंडर रूट लीनियर में हम लीनियर को टी स्क्वायर मानते हैं। तो हमारा एक्स जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस वन, डी एक्स जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, टू टी डी टी। तो अब हमारा जो पी इंटीग्रल है वो बन जाएगा टू टाइम्स ऑफ डी एक्स की, एक्स की जगह आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन, डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा टू टी डी टी, ठीक है। डिनोमीटर में देखते हैं, डिनोमीटर में क्या टर्म है, एक्स के प्लस टू एक्स प्लस टू है ना, इसको ऐसे लिख देते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो एक्स प्लस वन का होल स्केयर प्लस वन है ना ये टर्म, एक्स के प्लस टू एक्स प्लस टू को लिख दिया एक्स के प्लस टू एक्स प्लस वन प्लस वन, तो एक्स प्लस वन जो होगा वो मेरे पास हो जाएगा टी स्केयर प्लस टू का होल स्केयर प्लस वन, तो ये टर्म बनेगी टी फोर प्लस फोर टी स्केयर प्लस फाइव, ठीक है। तो इस टर्म की जगह पे मैंने लिख दिया टी फोर प्लस फोर टी स्केयर प्लस फाइव, जो कि फैक्टराइजेबल नहीं है क्योंकि इसका डी नेगेटिव है और साथ में एक टी आ जाएगा, तो ये वाले टी से ये वाला टी आपका कैंसिल हो गया, हमारा अब जो पी इंटीग्रल है वो बन गया पी टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन डी टी अपॉन टी फोर प्लस फोर टी स्क्वायर प्लस फाइव। अब देखो ये आपका वही आई थ्री आई फोर जैसा बनेगा, वो वाली टाइप बन गई ना जो टाइप नाइन है। अब होता यही है कि जो थोड़े लेंदी प्रॉब्लम होते हैं ना, जो जैसे पहले भी जेई सब्जेक्टिव वगैरह में आते थे, उनमें ऐसे ही होता था आपने एक टाइप सॉल्व करोगे फिर दूसरी टाइप बन जाएगी, फिर उसको सॉल्व करो तब जाके आपको पांच और छह मार्क्स मिल पाएंगे, तो सेम इसमें भी ऐसे ही हो रहा है। अब आपने टी स्क्वायर से डिवाइड किया तो फिर आपको आगे जाके पता चला ये तो बन रहा है वन वन प्लस वन बाय टी स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस फाइव बाय टी स्क्वायर प्लस फोर। अब और आपके लिए हेडेक हो गई, और हेडेक क्या हो गई, ये वाला वही वाला टाइप है, इसको आप न्यूमरेटर को लिखोगे के वन टाइम्स ऑफ वन प्लस रूट फाइव बाय टी स्क्वायर प्लस के टू टाइम्स ऑफ वन माइनस रूट फाइव बाई टी स्क्वायर। अब आधी जनता को ये समझ ही नहीं आ रहा होगा क्या चल रहा है, जो ध्यान से लेक्चर्स नहीं करेगा, प्रॉब्लम रोज सॉल्व नहीं करेगा, उसके जीवन में मुश्किल ही मुश्किल है। तो इसमें क्या है, एक तो आपको टी प्लस रूट फाइव बाई टी को से डब्लू मानना है, एक टी माइनस रूट फाइव बाई टी को जी मानना है, जेड मानना है, ठीक है, उसके बाद आपका सॉल्व होगा, ठीक है। इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी टाइप नाइन का प्रॉब्लम है, जिसको नहीं समझ आया, आज हमने स्टार्ट इसी टाइप के प्रॉब्लम से किया था, वो लेक्चर को दोबारा से एक बार रिवाइज कर ले, ठीक है। तो ये हमारे हो गए टोटल प्रॉब्लम, अभी तक हमारे कितने हो गए हैं 106, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारी टाइप 11, ठीक है। टाइप 11 है, एक स्पेसिफिक टाइप के प्रॉब्लम आते हैं टाइप 11 में, ठीक है। तो उसको हम लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म एक्स रेश टू द पावर एम ए प्लस बी एक्स रेश टू द पावर एन होल पावर पी डी एक्स, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म एक्स रेश टू द पावर एम ए प्लस बी एक्स रेश टू द पावर एन होल पावर पी डी एक्स, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। इसमें एम एन पी एक रैशनल नंबर होते हैं, अब रैशनल नंबर हैं तो इंटीजर भी हो सकते हैं, रैशनल नंबर बोला हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि नेचुरल नंबर और इंटीजर नहीं हो सकते, समझ गए ना, रैशनल नंबर होने चाहिए। अब 1/3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो एक पर्टिकुलर टाइप का प्रॉब्लम है। इसमें दो ही सब्स्टिट्यूशन वर्क करती हैं,
इस टाइप के प्रॉब्लम में देर आर ओनली टू सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, वो मैं आपको प्रॉब्लम से ही समझाऊंगा कि भाई किस टाइप के सब्स्टिट्यूशन वर्क करते हैं। वो क्वेश्चन देख के समझ आता है कि भाई या तो ये सब्स्टिट्यूशन लगेगा या ये सब्स्टिट्यूशन लगेगा। इजी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अब है क्या कि देखो एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, जो जेई मेन्स है ना वो कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ टाइप्स पे ही ज्यादा फोकस रखता है, ठीक है। वो आपकी पहली चार पांच टाइप तो पूछेंगे नहीं। अब जो जेई एडवांस और जेई मेन्स है पहली चार पांच टाइप तो पूछते नहीं है, क्यों नहीं पूछते हैं, उस पर पहले इतनी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं तो उस पर पूछते नहीं है। अब नेक्स्ट जो हमारी मान लो फाइव और सिक्स टाइप से स्टार्ट होता है, मतलब बाय पार्ट से, मान लो बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन, इसके आगे वाली जितनी भी टाइप्स हैं इन्हीं से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, ठीक है, जेई मेन्स में। और तो उनका भी एक स्पेसिफिक टाइप का ही प्रॉब्लम है कि एक पर्टिकुलर टाइप के प्रॉब्लम वो हर बार पूछ रहे हैं, वो पिछले तीन चार साल से एक पर्टिकुलर टाइप का प्रॉब्लम पूछ रहे हैं। तो वो जब आप टेस्ट वगैरह दोगे ना आपको आइडिया लग जाएगा, हो सकता है पहले टेस्ट में आपसे होना, बट आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा इस टाइप का प्रॉब्लम इस टाइप से करना है, ये इस टाइप में फॉल कर रहा है, फिर आपके वो प्रॉब्लम होने लग जाएंगे, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टाइप के प्रॉब्लम ज्यादा पूछे जाते हैं जेई मेन्स में। जेई एडवांस में हर साल वो नया प्रॉब्लम प्रेजेंट कर देता है, वो हो सकता है आपकी टाइप में फॉल कर जाए, हो सकता है वो आपकी मिसलेनियस टाइप में फॉल करे। हम मिसलेनियस टाइप करेंगे जिसमें अलग ही टाइप के प्रॉब्लम होते हैं जो किसी भी टाइप में फॉल नहीं करते हैं, ठीक है। तो जेई मेन्स के तो बहुत सिंपल से प्रॉब्लम रहते हैं, बट जेई एडवांस के जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें आपको सोचना पड़ेगा। अब ये जो प्रॉब्लम है ये जेई मेन्स में ज्यादा पूछा जाता है, एक पर्टिकुलर टाइप का प्रॉब्लम है, ठीक है। अब वही मैं बता रहा हूँ, इसमें दो सब्स्टिट्यूशन लगती हैं, वो क्या लगती हैं अब वो करते हैं हम, ठीक है, ठीक है। लवकेश तू किसको डन कर रहा है, अभी तो कुछ बताया नहीं, डन डन करे जा रहा है, 106 को डन कर रहा है, चल कोई नहीं आगे बढ़ते हैं। अब इसका प्रॉब्लम देखो 107, इस सबसे पहला प्रॉब्लम है x की पावर 13/2 इंटू 1 प्लस x की पावर 5/2 होल पावर 1/2 dx, ये प्रॉब्लम है हमारे पास। कोई अभी मान लो कि आपको मैंने कुछ भी नहीं बताया, कुछ सब्स्टिट्यूशन भी नहीं बताया, तो कोई गेस कर सकता है इसमें क्या करना चाहिए, अपना माइक ऑन करके बताएं जिसको लग रहा है कि हाँ सर मुझे आइडिया लग रहा है कि ये कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कुछ पेन वेन मत उठाओ, कुछ रफ कॉपी भी मत उठाओ, इसमें बस देख कर बताओ कि सर ये करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। आप सब लोग को मेरी आवाज आ रही है, कोई माइक ऑन करके बताए मेरी आवाज और स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर, यस सर, ठीक है ठीक है ठीक है। तो फिर इस प्रॉब्लम में बताओ, कोई वाइल्ड गेस करो कि हाँ सर ये करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। सर अगर एक्स को टी स्क्वायर पुट करें तो, ठीक है, उससे क्या होगा, ये टू हट जाएंगे ना, ये पावर वाले टू हट जाएंगे, बट वो सॉल्व नहीं होगा ना बेटा, वो तो प्रॉब्लम तो वैसे ही रह गया ना। और कुछ गेस करो सर, अगर 1 प्लस x के पावर 5/2 को t स्क्वायर पुट करें, ऐसा क्यों सोचा तुमने? सो x की पावर 13/2 न्यूटिस t के फॉर्म में आ जाएंगे 2dt। देखो नहीं, आपने थोड़ा चलो गेस तो किया है, बट वो गेस एकदम सही है। क्यों सही है देखो, अच्छा ये बताओ x की पावर 5/2 का डेरिवेटिव क्या होगा? 5/2 x की पावर 3/2 होगा, तो x की पावर 3/2 ना यहाँ पे बन जाएगा, ये अलग हो जाएगा x की पावर 3/2 यहाँ से। अब इस टाइप के प्रॉब्लम को करने का, मान लो किसी को नहीं स्ट्राइक कर रहा है, तो दो ही तरीके हैं, जैसे मैंने बताया इसमें दो ही तरीके हैं। इस पावर को देखो पहले, तो इसकी पावर क्या है? हाफ। अगर ये 1/3 होती तो मैं अंदर वाली टर्म को या तो टी क्यूब मानता, 1/2 है तो मैं अंदर वाली टर्म को, ये जो अंदर वाली टर्म है इसको क्या मानूंगा? टी स्क्वायर मानूंगा। 1/7 होगा तो अंदर वाली टर्म को क्या मानूंगा? टी सेवन मानूंगा। पहली चीज ये है। तो अब पहली चीज है कि भाई 1/x/5/2 को या तो टी स्क्वायर मानेंगे, पहला सब्स्टिट्यूशन। दूसरा सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि हम इसमें से कॉमन निकालते हैं, x/5/2 को कॉमन ले जाएंगे। x/5/2 को कॉमन लेके जाएंगे तो क्या बनेगा? 13/2 x/5/4 बाहर जाएगा ना बेटा। जब आप x/5/2 को कॉमन लोगे तो वो हाफ से मल्टीप्लाई भी तो होगा, और क्या बचेगा? 1 + 1/x/5/2 तो ये दो सब्स्टिट्यूशन है, या तो इसको आप टी स्क्वायर मानेंगे या 1 + 1/x/5/2 को टी स्क्वायर मानेंगे। बस इन दोनों में से किसी एक से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर 1/3 होता तो मैं टी क्यूब मानता और इसको भी टी क्यूब मानता, ठीक है। अब ये आप ना थोड़ा सा मेंटली भी थोड़ा कॉमन सेंस लगा के भी सोच सकते हो कि किसको टी स्क्वायर मानना है,
नहीं अगर हो रहा है नहीं इतना जल्दी सोच पा रहे हो तो क्या करो, पहले इसको टी स्क्वायर मान लो, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, वेल एंड गुड। इससे नहीं होगा तो आपको पता चली जाएगा भाई इसी से होगा, क्योंकि पहले ही आपको मैंने दिव्य ज्ञान दे दिया कि दो ही तरीकों से ये सॉल्व हो सकता है इस टाइप का प्रॉब्लम। अब ये कहीं और नहीं लगाना है, ये किस में लगाना है, जब फॉर्म कैसी, अब देखो इसको फॉर्म देखो इसकी, एक्स की पावर एम ए प्लस बी एक्स की पावर एन होल पावर पी, सारी पावर्स जो हैं वो क्या है, रैशनल नंबर। अब करते हैं, जैसे मेरे को ये जैसे तन्मय जी ने बताया कि x की पावर 5 बाय 2 को सर आप क्या करो ना टी स्क्वायर मानो, क्योंकि क्या होगा उसका डेरिवेटिव वहां बनेगा, तो वही हम करेंगे। तो 1 प्लस x की पावर 5 बाय 2 को हम टी स्क्वायर मान लेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 5 बाय 2 x की पावर 3 बाय 2 dx इज इक्वल टू 2t dt बन जाएगा। अब हम अपने इंटीग्रल को ब्रेक कर देते हैं, मेरा इंटीग्रल क्या था x की पावर 13 बाय 2, तो उसको मैंने लिख दिया x की पावर 5 इंटू एक्स पावर 3 बाई 2, मेरे को लगता है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा, 1 प्लस एक्स पावर 5 बाई 2 होल पावर हाफ, इधर समझ आ गया होगा ना, 13 बाई 2 को 5 प्लस 3 बाई 2 लिख सकते हैं, तो ब्रेक कर दिया उसको, ठीक है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखें, अब देखो ये वाली टर्म इसके साथ क्लब होके क्या बन जाएगी, 4t बाई 5 dt, समझ आ रहा है भाई, ये 5 बाय 2 को तो लेके जाओगे तो 4t बाय 5 हो जाएगा ना, तो x की पावर 3 बाय 2 dx आपका किसके बराबर हो गया, 4t बाय 5 dt। अच्छा ये वाली टर्म की जगह तेरे को क्या रखना है, t स्क्वायर, तो ये टर्म आपकी t बन गई। अच्छा अब क्या बचा, x की पावर 5, x की पावर 5 को भी तू बहुत आसानी से लिख सकता है, x की पावर 5 बाय 2 इज t स्क्वायर माइनस 1, तो x की पावर 5 क्या हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आपका इंटीग्रल बहुत आसानी से सॉल्व हो जा रहा है, कैसे सॉल्व हो जा रहा है, ये बन जा रहा है t स्क्वायर टाइम्स ऑफ t4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1, बड़े हदीजी हो गए। तो फिर उसके बाद क्या बन जाएगा, 4 बाय 5 क्या आंसर आएगा, t7 बाय 7 माइनस 2t4 2t5 बाय 5 प्लस t3 बाय 3, t की जगह उसकी वैल्यू गिर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा, वो आप कर लेंगे मेरे को लग रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में क्या करना है, या तो 1 प्लस एक्स की पावर 5 बाय 2 को t मान लेना है, सॉरी t स्क्वायर मान लेना है, या कॉमन निकालना है, पहले जो भी टर्म यहाँ पर होगी उसको कॉमन निकाल लो, फिर कॉमन निकालने के बाद जो टर्म बचेगी उसको टी स्क्वायर मान लेना है। ऐसे अभी दो तीन प्रॉब्लम और करते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। 108 जी मेंस का प्रॉब्लम है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ अपॉन एक्स की पावर 4 dx, करो भाई सॉल्व करो जल्दी से। जिसका हो जाता है वो डन लिखो, 108 डन। किसी का नहीं हो रहा भाई, क्या चल रहा है ये, जोगिंदर जी का हो गया, साहिल का हो गया, राहुल का हो गया। हाँ साहिल आप बताओ क्या किया आपने, सर पहले x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे ऊपर वाले में से। हाँ तुझे कैसे पता चला x स्क्वायर कॉमन लेना है, वो सर वो नीचे देखा ना, तो x ऊपर से एक x से नीचे का x कोट कट जाएगा, तो x क्यूब बच जाएगा, वो डेरिवेटिव बन रहा है, डेरिवेटिव बन जाएगा। हाँ देखो कुछ वैसे भी आप इतने भी आप मेरे से इतने टाइम से पढ़ रहे हो आपको समझ आ गया होगा। अब मैंने एक सब्स्टिट्यूशन बताई थी, कोई बच्चा शरारती होगा वो भी इस क्वेश्चन को कर सकता था कि भाई पहले वाले में क्या बताया था, x स्क्वायर प्लस 1 को t स्क्वायर मानना था। अब दूसरा वाला प्रॉब्लम मैं ऑब्वियसली कौन सा दूंगा, जिसमें जो दो ही तो सब्स्टिट्यूशन है, पहले वाले में एक्स के प्लस वन को टी स्क्वायर माना था आपने, इस वाले में क्या करोगे, कॉमन निकालना होगा, तो कॉमन निकालो, तो कॉमन निकालोगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो बाहर क्या जाएगा, एक्स 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की पावर हाफ डिवाइडेड बाय एक्स 4 dx। बाकी जो शातिर है वो ये भी समझ गया होगा कि भाई 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्वेश्चन में प्रेजेंट है, तो हमारे पास जो इंटीग्रल है वो बन जाएगा 1 बाय एक्स क्यूब टाइम्स ऑफ 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की पावर हाफ dx। तो क्या करेंगे, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं टी स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव,
माइनस टू बाय एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू टू टी डी टी, टू टू आपका कैंसिल हो गया, तो क्या लिखेंगे आई इज इक्वल टू, ये इसको टी स्क्वायर माना था बेटा आपने, तो ये बन गया टी डी एक्स बाई एक्स क्यूब किसके बराबर आ जाएगा माइनस टी डी टी और आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा माइनस टी क्यूब बाई थ्री टी की जगह उसकी वैल्यू कर देनी है आंसर आ जाएगा। ठीक है तो हम हो गए 108 पे, 109 पे आते हैं हम। 109 प्रॉब्लम, 109 इज डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ वन प्लस एक्स की पावर सेवन होल पावर सिक्स बाय सेवन। बहुत इजी है, एक्स पावर सेवन कॉमन निकालना होगा, देखो मैं डायरेक्ट बताता हूँ। देखो आप खुद सोचो कि एक्स पावर सेवन जब तू कॉमन निकालेगा तो बाहर क्या जाएगा, एक्स पावर सिक्स बाहर जाएगा ना, एक्स पावर सेवन की पावर सिक्स बाय सेवन की तो लगेगी, तो एक्स पावर एट हो जाएगा वो, तो बन जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स पावर एट वन प्लस वन बाय एक्स पावर सेवन की पावर सिक्स बाय सेवन। अब अच्छी चीज क्या है कि इसका डेरिवेटिव बाहर बैठा हुआ है, खत्म प्रॉब्लम। तो क्या करोगे अब इसका सब्स्टिट्यूशन, वन प्लस वन बाय एक्स पावर सेवन को क्या मान लो टी की पावर सेवन, सॉल्व हो जाएगा। इसको 10 पे आते हैं, इजी प्रॉब्लम था। ठीक है आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रल ऑफ वन प्लस एक्स की पावर वन बाय फोर होल पावर वन बाय थ्री एक्स की पावर वन बाय टू। करो भाई और बताओ क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, सब लोग ट्राई करो। दो ही सब्स्टिट्यूशन है, या तो वन प्लस एक्स की पावर वन बाय फोर को टी क्यूब मानना है या कॉमन निकाल के मानना है। जिसका हो गया वो लिख दो भाई, 110 हो गया, 1010 डन, 1110 सॉरी 110 डन, ऐसे लिखो। क्या हो भाई, हो नहीं रहा आप लोगों से? देखो करते हैं, वन प्लस एक्स की पावर वन बाय फोर को मानते हैं टी क्यूब, ठीक है पहले ये मानते हैं अभी मुझे, क्योंकि इसमें आइडिया नहीं लग रहा है कॉमन निकाल के होगा कि कैसे होगा, तो पहले ये मान लेते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वन बाय फोर एक्स की पावर वन बाय फोर माइनस वन, तो माइनस थ्री बाय फोर डी एक्स, ठीक है दिव्यांश का हो गया, इज इक्वल टू थ्री टी स्क्वायर डी टी। ठीक है तो अब ये टर्म हमारी क्या बन जाएगी, वन प्लस एक्स की पावर वन बाय फोर, तो ये तो आपका बन गया, इसको ऐसे लिख देते हैं एक्स की पावर थ्री बाय फोर है ना ये, तो ये वाली टर्म जो बनेगी इसके टी क्यूब, तो ये तो टी बन गया, ठीक है और डी एक्स की जगह पर क्या आएगा, ये तो टी बन गया आपका, डी एक्स की जगह पर क्या आएगा, ये बन जाएगा ट्वेल्व टी स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाय एक्स की पावर थ्री बाय फोर, वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, सॉरी दो मिनट दोबारा से लिख रहा हूँ, देखो बोर्ड पे इधर देखो ध्यान से, इसको मैंने टी क्यूब माना तो ये मेरा टी बन गया, नीचे एक्स की पावर हाफ को भी एक्स की पावर हाफ ही लिख देता हूँ, फिर मेरे को रिड्यूस करूंगा उसको, डीएक्स की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, डीएक्स की जगह पे लिख सकते हैं ट्वेल्व टी स्क्वायर डी टी। ठीक है अब एक्स की पावर थ्री बाय फोर डिनोमिनेटर में है यहाँ पे, क्योंकि माइनस है ना पावर, तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो क्या लिख देंगे ट्वेल्व टी स्क्वायर डी टी इंटू एक्स की पावर थ्री बाय फोर, तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये बन जाएगा 12 टी क्यूब, ये बन जाएगा x की पावर 1 बाय 4 बन गया ना dt, अब x की पावर 1 बाय 4 हमें पता ही है, तो क्या जाएगा 12 टाइम्स ऑफ t क्यूब, x की पावर 1 बाय 4 की जगह क्या लिख देंगे t क्यूब माइनस 1 dt, हो गया खत्म, हो रहा है सॉल्व ये। ठीक है क्या बन जाएगा t की पावर 7 बाय 7 माइनस t की पावर 4 बाय 4। ठीक है नेक्स्ट करते हैं, ये हो गया हमारा 110 प्रॉब्लम 111।
111 में है, अभी थोड़ा सा अलग टाइप का प्रॉब्लम है, dx अपॉन x टाइम्स ऑफ x5 प्लस 1, ये भी वैसे उसी टाइप से हो जाएगा। इसको करने के दो तरीके हैं, मैं बता देता हूँ। एक तरीका क्या है, आप पहले x की पावर 5 कॉमन निकाल लो, तो ये बन जाएगा x की पावर 6 1 प्लस 1 बाय x की पावर 5, ठीक है, x की पावर 5 कॉमन निकाल लिया बस, अब क्लियर है। क्या करेंगे, 1 प्लस 1 बाय x की पावर 5 को t मानते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, माइनस 5 बाय x की पावर 6 dx इज इक्वल टू dt, तो dx बाय x की पावर 6 की जगह क्या रख दोगे, रख दोगे माइनस ऑफ dt बाय 5 और इसी का t, तो माइनस 1 बाय 5 ln mod t, ये इसका आंसर आ जाएगा, खत्म हो गया प्रॉब्लम। कई बार इस प्रॉब्लम को ऐसे भी किया जाता है, आप क्या करो, क्योंकि x की पावर 5 है, x की पावर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, देखो सेम ही बात है, बट मतलब हो सकता है आपको आंसर मतलब किसी और फॉर्मेट में दिया हो, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि ये भी ट्रिक बहुत जगह मैंने प्रॉब्लम्स में यूज करते हुए देखा है, क्या कि ये x की पावर 5 है ना, तो x की पावर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, क्योंकि ऐसा, क्योंकि x की पावर 5 को अगर मैं अब t मानता हूँ तो इसका डेरिवेटिव बन जाएगा 5x4 dx is equal to dt, तो ये वाला टर्म बन जाएगा हमारे पास dt by 5 which is 1 by 5 outside, ये बन जाएगा t into t plus 1, अब ये पार्शियल फ्रैक्शन बन गया, इसको आप लिख सकते हो 1 by 5 times of t plus 1 minus t upon t into t plus 1, अब ये दोनों तरीके से सॉल्व हो जाएगा, अलग अलग करोगे पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएगा ना, क्या बन जाएगा dt by t माइनस डी टी बाई टी प्लस वन, ये सॉल्व हो गया, ठीक है। चलो एक और प्रॉब्लम देखते हैं, P112 है हमारे पास, हाँ अब ये वाला एक बार खुद से करो, डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन की पार 3/4 और x प्लस 2 की पावर 5/4, ये एक स्पेसिफिक टाइप का प्रॉब्लम है, तो क्योंकि इसकी पावर रैशनल नंबर्स है इसलिए मैंने इस टाइप में इसको इंक्लूड कर लिया है, ये वैसे इस टाइप से जरूरी नहीं है हो, तो ये स्पेसिफिक टाइप का प्रॉब्लम है, इस टाइप में फॉल नहीं करेगा ये, x की पावर m into a plus b x की पावर n होल पावर p वाले में फॉल नहीं करेगा, बट क्योंकि इसकी पावर्स रैशनल नंबर है इसलिए मैंने ये प्रॉब्लम इसी में दे दिया आपको। जिसका आंसर आ जा रहा है इसका 112 का वो बताओ, 112 डन लिखो इसमें, नीरी बात मतलब नहीं हुआ किसी का भी, हाँ आदर्श बताओ कैसे किया, आदर्श सर इसको रिड्यूस कर लिया सर डिनोमिनेटर को, कैसे इसमें x माइनस वन अपॉन x प्लस टू की पावर 3/4 into x plus 2 की पावर का होल स्क्वायर, ऐसे क्यों किया सर, ये इसका जो डेरिवेटिव आएगा x minus 1 upon x plus 1 का वो x plus 2 का x plus 2 का, तो ये बैठा हुआ सर यहाँ पे dx upon ये जो प्रॉब्लम है ये स्पेसिफिक टाइप का प्रॉब्लम है, इसमें क्या, हाँ एकदम सही बोला आदर्श, आप माइक क्लोज कर लो अपना, इसमें क्या करना है आपको, आप दोनों चीजें कर सकते हो, जब भी पावर्स ये जो रैशनल नंबर्स हैं इनका सम टू हो रहा हो, ये तभी लगेगा ये तरीका, अगर ये जो इसको पी और क्यू मान लेते हैं, पी प्लस क्यू का सम अगर टू हो रहा है
ठीक है, जब भी p और q का सम 2 हो रहा है तो ये मेथड लग जाएगा। तो इसको आप दो तरीके से रिड्यूस कर सकते हो। आप इसको ऐसा भी बना सकते हो x माइनस वन अपॉन x प्लस टू की पावर 3/4। तो मैंने क्या किया, x प्लस टू की पावर 3/4 से डिवाइड किया, x प्लस टू की पावर 3/4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये x प्लस टू की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, dx अपॉन x माइनस वन की पावर 2 बना दो, मतलब x प्लस टू डिवाइडेड बाय x प्लस वन की पावर 5/4 लिख दिया मैंने यहाँ पे। क्या लिखा इस वाले केस में, x प्लस वन की पावर 5/4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे क्या किया है x प्लस टू की पावर 3/4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर आप x माइनस वन अपॉन x प्लस टू को t मानते हैं या t की पावर 4 मानते हैं, ठीक है, t मान लो, t की पावर 4 मान लो, एक ही बात है, t मान लेते हैं चलो, उसका डेरिवेटिव ना ये टर्म बन जाएगी। देखो डेरिवेटिव निकालो, v du माइनस u dv बाय v स्क्वायर बन गया उसका डेरिवेटिव। तो अभी आपका इंटीग्रल क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये 3 बन रहा है, 3 dx बन रहा है ना ये, तो हम इसको लिख देंगे dt बाय 3 और t की पावर 3/4 सॉल्व हो जाएगा। इसमें देखो x प्लस टू अपॉन x माइनस वन था यहाँ पे, सॉरी, तो x प्लस टू x माइनस वन अपॉन x माइनस वन को आप यहाँ पे से आपने w मान लिया। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, v du माइनस u इंटू डी वी बाई वी स्केयर डी एक्स इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। ठीक है, ये वाली टर्म आ गई। अब ये क्या बन रहा है, माइनस थ्री डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्केयर इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। ठीक है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा फाइनली, क्यों आपको समझ आ रहा है ना, इसलिए नेगेटिव आ गया, वो नेगेटिव जो भी होगा वो ऑटोमेटिकली वो आंसर को सेम कर देगा। तो ये आपके पास टर्म क्या आएगा, ये बन जाएगा माइनस ऑफ डी डब्ल्यू बाई थ्री। ठीक है, और यहाँ पे टर्म क्या, टर्म क्या आ जाएगी, एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस वन है, तो ये बन जाएगा डब्ल्यू की पावर 5/4। समझ आ गया, ये तो आपका बन गया माइनस डी डब्ल्यू बाई थ्री और ये बन गया डब्ल्यू की पावर 5/4। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों का आंसर आपका सेम आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये अब हमारी कितनी टाइप हो गई, टाइप ये हमारी थी टाइप 11 तक थी। ठीक है, अब इसकी दो टाइप बची है हमारी, एक बची है टाइप 12 विच इज रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है, फिर एक है टाइप 13 जिसमें हम मिसलेनियस प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, कल हम एक क्लास रख रहे हैं जिसमें हम रिवीजन रखेंगे, रिवीजन ऑफ इंटीग्रेशन टाइप 1 टू टाइप 10। तो बहुत बच्चों ने इसके लेक्चर मिस कर दिए थे, तो उनके लिए ये क्लास है, जिनको ऑलरेडी ये लेक्चर अटेंड कर चुके हैं, जिनको कॉम्पिटेंस है, उनको कुछ भी अटेंड करने की कल जरूरत नहीं है। तो कल मॉर्निंग का जो भी लेक्चर होगा 10 to 11:30 सेम टाइमिंग होगा, अब नया टाइम टेबल आ गया, तो आपका मैथ्स का लेक्चर होगा 10 to 11:30 AM। ठीक है, टुमारो ऑल्सो मंडे टू सैटरडे होगा ये वाला टाइम टेबल। ठीक है, मैथ्स की क्लास मंडे टू सैटरडे होगी, रिवीजन ऑफ इंटीग्रेशन टाइप 1 टू टाइप 10 कल होगा। अभी आपको क्या करना है, आपको ये लेक्चर के नोट्स में अभी शेयर कर दूंगा। अब मैं ना इसको शेयर व्हाट्सएप पे नहीं करूंगा बेटा, प्लीज सब लोग ये ध्यान रखें, ये आपके इसी पोस्ट में मैथमेटिक्स के चैनल में ये जो पोस्ट चल रहा है इसी में मैं कॉन्वर्सेशन जो चल रहा है जहाँ पे आप डन 110 डन 108 ये डन लिख रहे हो उसी में इसके लेक्चर नोट्स आएंगे। एक इसका असाइनमेंट और आ जाएगा जो थोड़ा इजी लेवल का असाइनमेंट है जैसे मैं आपको पहले देता आ रहा हूँ। फिर आपको मॉड्यूल मैं इसका दे चुका हूँ कि नहीं दिया है मैंने आपको, बताओ एक बार मुझे चैट में बताओ, या बेटा टाइम टेबल चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ना, हाँ मॉड्यूल दे दिया मैंने इसका, नो सर। ठीक है चलो, मैं मॉड्यूल भी आज शेयर करता हूँ, तो मॉड्यूल अब माइक क्लोज कर दो बेटा। मॉड्यूल जो है वो भी मैं अभी आपको ना इसी चैट बॉक्स में, जो अपना चैट बॉक्स है इसी में ये सारी चीजें शेयर कर दूंगा, लेक्चर नोट्स, असाइनमेंट वन, मॉड्यूल ऑफ इंटीग्रेशन। तो असाइनमेंट एक और मैं आपको शेयर करूंगा जो अभी इससे पहले शेयर कर चुका हूँ, जो इसके डाउट्स हैं वो आप मुझे बता दीजिएगा, वो मेरे को मैसेज कर देना व्हाट्सएप के ऊपर या यहाँ चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो कि डाउट आपके डाउट नंबर लिखना पड़ेगा आपको असाइनमेंट वन असाइनमेंट टू का। बेटा टाइम टेबल इसीलिए चेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि सबको ना 1.5 hours की क्लासेस देनी है हमें, 11th में भी 12th में भी, फिर डाउट सेशंस भी चल रहे हैं, तो वो बहुत सोच समझ के टाइम टेबल बनाया गया है, तो उसमें चेंज नहीं हो पाएगा। अगर आपको कुछ और शेड्यूल है तो आप प्लीज उसको चेंज करें, बाकी कोशिश यही रहेगी अब यही टाइम टेबल फॉलो हो। ठीक है, बाई चांस अगर आप अटेंड नहीं कर पाते हैं, हाँ चैट बॉक्स में स्क्रॉल तो बहुत करना पड़ता है, बट बेटा अब क्या है व्हाट्सएप में भी ऐसा रहता है ना कि व्हाट्सएप में भी हमारे भी ऑलरेडी अब मेरे पास मतलब
मतलब 15-16 ग्रुप हैं, कोई अकाउंट्स का ग्रुप है, कोई 11th का ग्रुप है, कोई 12th का ग्रुप है, कोई पेपर का ग्रुप है, कोई VTST का ग्रुप है, तो ना उसमें बहुत ही हौच पौच रहता है। तो इसमें बेटर रहेगा ना, आपको कुछ नहीं, आपको अपने मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करना है और आपको ऐप पे जाके क्लिक करना है, आपको अपने आप ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें। देखो हम चाहते हैं कि हम अब हर चीज को हटा के हम इसको इस ये जो माइक्रोसॉफ्ट टीम का सॉफ्टवेयर है इसको इसकी ऐप को बहुत अच्छे से यूज करें। हाँ पीसी में कुछ नहीं करना पड़ता है, पीसी में क्या नहीं करना पड़ता भाई? अदर्स क्या कहना चाह रहे हो? स्क्रॉल सर, स्क्रॉल। हाँ पीसी में स्क्रॉल नहीं करना पड़ता, अच्छा ठीक है ओके। हाँ बेटा आप मतलब नहीं, मोबाइल में भी हो जाएगा वो, आप आपको इंटीमेशन आ जाएगा उसका। अब क्या है ना, इसके लिंक जो जनरेट हो रहे हैं बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, फिर उसमें ना बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है। आयुष घबराओ नहीं सब, अगर मान लो बाई चांस कोई ऐसी इमरजेंसी है, यू आर नॉट एबल टू अटेंड द क्लास, तो आपको आपके पास रिकॉर्डिंग तो है ना। वो गलती से मेरे को, मैंने उस दिन फीड से ज्वाइन कर लिया था तो रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हो रही थी, अब कैलेंडर से ज्वाइन करने पे हमेशा रिकॉर्डिंग ऑन हो जाता है, तो आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर्स का मिलेगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लेक्चर मिस ना करें, क्योंकि ना अब हम स्पीड पकड़ लेंगे। अब देखो मई आ गया है, अब मई एंड हो गया है, तो अब जून आएगा, जून जुलाई अगस्त, मेरा ये टारगेट है कि अगस्त एंड तक तो मैं कोर्स खत्म करूंगा ही करूंगा किसी भी हालत में। तो मेरे को एक क्लास लेनी पड़े, दो लेनी पड़े दिन की, वो हम विद टाइम डिसाइड करेंगे। अब हम कोर्स को पूरा खींचेंगे, जब तक लॉकडाउन चले या ना चले हम इस कोर्स को खींचते ही रहेंगे। तो आप प्लीज लेक्चर्स को रोज अटेंड करें, लेक्चर अटेंड करने आपके लिए बहुत जरूरी है। फिर इसके नोट्स वगैरह जितने भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं वो करें, एक चैप्टर में कम से कम 150 क्वेश्चन करो आप, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी हैं, आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जय हनुमान जी करके एग्जिट करें, जय हनुमान जी करना जरूरी है, जीवन में आपको शक्ति मिलेगी। एग्जिट करते रहें सब लोग।